अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी बहन शुमैला इरम और आप देख रहे हैं कुकिंग बाय शुमैला इरम। आज हम इंडिया की बहुत ही फेमस पुडिंग यानी कि चावल की खीर बनाएंगे। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो चावल की खीर बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, इसे हमने बॉईल करके रख लिया है। खोया लिया है हमने 150 ग्राम्स और राइस लिए है हमने 70 ग्राम्स। इसको हमने 20 मिनट्स के लिए भिगो कर रख दिया था और फिर ग्राइंड कर लिया है। कस्टर्ड पाउडर लिया है हमने 2 टीस्पून। और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने 80 ग्राम्स, जिसमें हमने काजू, बादाम और पिस्ता, इन तीनों को हमने क्रश करके रख लिया है इस तरह से। और शुगर लिया है हमने 200 ग्राम्स। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और उसमें हम ग्राइंड किए हुए राइस डाल देंगे पानी के साथ। आप चाहे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसे अब हम लो फ्लेम पर गलाएंगे। राइस को हमें पानी में ही गलाना होगा और अगर आप दूध में गलाने की कोशिश करोगे तो राइस नहीं गलेंगे। और जब राइस हमारे अच्छे से गल जाए तो हम इसमें दूध डाल देंगे। राइस और दूध के मिक्सचर को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे और जब ये अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको लो फ्लेम पर कर देंगे। और चाहे तो आप इस टाइम पर हरी इलायची डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है। और अब हम इसे 20 मिनट्स तक बॉईल होने देंगे लो फ्लेम पर। दूध को हमें इतना बॉईल करना है कि 1.5 लीटर दूध 1 लीटर हो जाए और इस टाइम पे हम इसमें खोया ऐड कर देंगे और फिर हम कंटिन्यूस चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि हमारा खोया दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और जब खोया दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए तो हम इसमें चीनी डाल देंगे और 5 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि चीनी भी दूध में अच्छे से घुल जाए। और जब चीनी भी अच्छे से घुल जाए तो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अभी डाल देंगे और थोड़े से हम बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसमें 50 ml वाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। अब हम कस्टर्ड पाउडर वाले घोल को दूध में डाल देंगे, जिससे एक खीर में बहुत ही अच्छा वैनिला वाला फ्लेवर आएगा और साथ ही खीर की कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखिए हमारी खीर की कंसिस्टेंसी ठीक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चमचा चलाएंगे कि हमारी खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी। Now our kheer is done. We'll pour it into a bowl and garnish it with some dry fruits.
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।